यही तंग कर रहा था ना, माफी मांग। आईना नहीं मैं करूंगा मैं। चल छह महीने का किराया निकाल। हाँ 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 दे रहा हूँ, जल्दी निकाल। हाँ कितने है ये 6 महीने के? बाकी 6 महीने का तेरा बाप देगा। बाप क्यों देगा? मैं दूंगा। थोड़ा सा टाइम दे दो ना यार। चल ठीक है ठीक है, कोई नहीं टाइम दिया। आपको चाहिए थे पैसे तुम मुझे बोल देती। भाई भाई किसको बोल रहा है? मैं मतलब कि मैं भाई हूँ ये नहीं है। ये को तेरा फुप्पा है, ये सवालात कर रहा है। चल आइंदा टाइम से। हाँ थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा फर्ज था। बकवास बंद करो। तुम हीरो बन रहे थे, क्या बकवास हो रही है ये? हम तो मदद कर रहे थे। तो बाप लगते हो मेरे। देखिए भाभी, मेरा मतलब है भाजी, इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो लातों के भूत होते हैं। अबे ये कौन है? ये मेरा दोस्त है मुनव्वर। मुन्नू चुप, बिल्कुल चुप। साइड पे खड़े, साइड पे खड़े हो तुम। ज्यादा बोले ना ऐसा लाफा मारूंगी कि सारे तबक रोशन हो जाएंगे। क्या कर रहे थे तुम? दिमाग में काम करता है तुम्हारा? मेरा हम तो हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। ओ भाई तुम ना मुझे मेरा किराया टाइम पे दे दिया करो, इतनी ही मदद काफी है। निकलो यहाँ से, निकलो। सॉरी। चलो निकलो। ओ हीरो। बेटा तुम भी अब मेरी किस्मत में आ जाते हैं भैंस। नेकी का तो जमाना ही नहीं है यार। मेरी दादी मरहुमा कहती थी 21वीं सदी करो नेकी हो बदी। अब उस बात का मतलब समझ में आ रहा है। तेरा ही आइडिया था ना कि जाके उस दुकानदार को मारूंगा तो हीरो बन जाऊंगा उसके सामने। तेरी बात ही नहीं माननी चाहिए थी। बात सुन, आइडिया मेरा बिल्कुल ठीक था, भाभी का रिएक्शन गलत था। उनकी जगह कोई और लड़की होती ना, तेरे प्यार में यूं पिघल जाती। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। चुप कर यार। है? क्या हो गया? मम्मी का फोन है, चुप रही। चुप। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। तो मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि आप खुदा ना खास्ता लावारिस नहीं हो। आपके वालिदैन अभी हयात हैं और माशाल्लाह से सेहतमंद हैं। जी याद है कि भूल गए? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? क्या मतलब है कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? अरे तुम तो ऐसे गायब हो जाते हो जैसे गधे के सर से सींग। कभी फोन ही कर लिया करो। याद नहीं आ रहा कि माँ भी जिंदा है और बाप भी जिंदा है? अम्मी वो ऑफिस के कामों में मसरूफ था इसलिए कॉल नहीं कर सका। अरे चलो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मसरूफ रहते हो, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही मसरूफ रखे। लेकिन फिर भी बेटा इंसान को कम से कम हफ्ते में एक बार तो फोन कर लेना चाहिए। क्यों? सॉरी अम्मी आइंदा नहीं होगा। हाँ चलो भाई, तो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मैंने तुम्हारी शादी की बात ना अपनी भांजी रुखसाना से तय कर दी है। क्या? अब हेलो। हाँ वो हमजा आवाज आ रही है बेटा? अम्मी हेलो आवाज आ रही है? अम्मी आपको आवाज आ रही है? आपको ये तुम्हारी आवाज के साथ शोर कैसा है? अम्मी सिग्नल का बड़ा मसला है। हेलो अम्मी जी आंटी मुझसे बात करें, नेटवर्क आ रहा है। नहीं नहीं आंटी बात करें। जी जी आंटी जी। अबे फोन कट चुका है यार, मजाक कर रहा हूँ, परेशान क्यों होता है? पागल है, जान निकाल दी तूने मेरी। हाँ एक और आ गई है। अबे तुझे क्या हो गया? रिश्ता पक्का कर दिया अम्मी ने मेरा रुखसाना से। हैं? अभी रुखसाना कौन है? अमेरिका वाले मामू की बेटी। तेरी अब क्या करेगा? क्या करूंगा अब? फोन को ना ऑफ कर देता हूँ। जब तक यहाँ के मसले हल नहीं होते ऑफ रखूंगा। जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा फोन ऑन कर लूंगा। मेरे भाई तुझे ना सख्त नजर लगी हुई है। मेरी बात मान, एक काला सियाह बकरा लेके ना सदका कर दे। चुप कर यार। अबे देख ना एक के पीछे एक मुसीबत आती जा रही है, तो तुझे तो सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा मेरे भाई। तू एक काम कर, तू अपनी ये चोंच हिलाने के बजाय ना इस झूले को हिला और मुझे 5 मिनट सुकून करने दे। ठीक है जा मेरे मुन्ने। मैं तो कहती हूँ उन लड़कों ने कमाल किया है उस नामुराद इकबाल को पीट के। अरे मेरा तो दिल था कि हाथ पांव तोड़ दें उसके, लंगड़ा लूला कर दें, तब मेरे कलेजे में जाके ठंडक पड़ती। अब खुदा का खौफ करे, कैसी बातें करी हैं, कोई अच्छी हरकत नहीं हुई। और हमजा को ना हमारे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत भी नहीं थी। अरे हमें तो किराए की वसूली से मतलब था ना, हैं? 6 महीने का किराया निकल आया, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। अम्मा पर तरीका तो गलत था ना। कौन सा तरीका? इकबाल को मारने का तरीका। अरे कौन इकबाल? माँ हमारा किराएदार। हमारा किराएदार इकबाल? हाँ है। क्या हुआ उसको? किसने मारा है उसको? हमजा ने मारा है ना अम्मा उसको। अब ये हमजा कौन है? लो जी फिर भूल गई। छोड़ें आप, क्या कहने आई थी? मैं ये कहने आई थी कि लो दिमाग से एकदम निकल गया, पट हो गया है दिमाग। अये है, सोच के आती हूँ। हाँ हाँ याद आ गया, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे। अम्मा नहीं, मुझे कोई नहीं देखने विकने आ रहा। क्या बात कर रही है? वो रिश्ते वाली ने ऐसा उमदा रिश्ता दिखाया है, बताया था मुझे, मैंने कह दिया फौरन हाँ कल भेज दो। अम्मा मैं आपको साफ बता रही हूँ, उनको मना कर दें। यार 1000 मसले मेरी जिंदगी में और है, मैंने नहीं करनी शादी। अरे मसले मसाइल तो जिंदगी का हिस्सा है, पर देखना मैं तो परेशान होती रहती हूँ तेरी शादी की तरफ से। अपनी जिंदगी में ही तेरे हाथ पीले होते देखना चाहती हूँ। बस मैंने कह दिया है उनसे कि तुम लोग कल आ जाओ, वो लोग कल आ रहे हैं तो तू तैयार रही हो। मैंने नहीं करना ना। कल लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, बस अब मैं कुछ नहीं सुन सकती। अम्मा क्योंकि मैं ग्रीन हूं।